एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, इनके बीच में एंगल पूछा है। तो एंगल निकालने का सिंपल तरीका होता है, डॉट प्रोडक्ट की हम हेल्प लेते हैं। जो कॉस थीटा होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो जरा पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो माइनस टू माइनस वन तो ये माइनस टू हो गया, थ्री और टू का मल्टीप्लीकेशन सिक्स हो जाएगा, वन और माइनस फोर का मल्टीप्लीकेशन माइनस फोर हो जाएगा अपॉन। अब हमें इसमें ऊपर देखना है कि डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही जीरो हो गया, ये ऊपर ही क्या हो गया जीरो, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब वो दोनों अंक के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अदरवाइज हम ए का मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, बी का मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और फिर निकालते हैं कि थीटा कितना हो रहा है। क्लियर। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स टू आई प्लस फोर के कैप एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और इस वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है। तो आप खुद से देख के बताओ, ये जो वेक्टर है ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, ये एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा क्योंकि इसमें वाई कंपोनेंट ही नहीं है। और अगर कोई वेक्टर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो एक्स जेड प्लेन में लाई करने वाला कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे, बी पार्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड जे कैप, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा जो होता है, ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ऊपर सिर्फ आएगा वन, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट थ्री और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वन। तो थीटा आपका कॉस थीटा आ गया वन बाई रूट थ्री। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये हमें याद नहीं होती है, और ये तीनों स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये तो हमें पता होती है, इनमें से कोई भी वन बाई रूट थ्री नहीं होगी। तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। आंसर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, डी पार्ट।